सुप्रभात सभी को। आज अपनी कक्षा 7 का भूगोल जो पार्ट है SST का, उसमें दूसरा पार्ट हमारी पृथ्वी के अंदर, ये अपने विस्तार से पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, क्यों, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी अंदर से बनी हुई है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यानी हमारी जो पृथ्वी है, ये जो आपने देखी है, ये जो गोल आकृति में जो दिखाई दे रहा है, नीला ग्रह जिसको कहते हैं, क्या है हमारी पृथ्वी। ये हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी अंदर से कैसे बनी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक प्याज पृथ्वी पर एक के ऊपर एक से बनी है। चित्र 2.1 में देखो, जिस प्रकार अपने प्याज की छिलके उतार के अपने देखते हैं प्याज क्या करती बनी होती है, उसी प्रकार जो पृथ्वी है इसकी परतें बनी होती है। चित्र 2.1 में देखो, ये प्रॉपर्टी ऊपर की जो परत है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी यानी स्थल मंडल, फिर उसके नीचे मेंटल, फिर क्रोड मेंटल, फिर सीमा, फिर वाहे, फिर क्रोड। इस प्रकार ये पृथ्वी का पूरा आंतरिक भाग दिखाया गया। ऊपरी परत को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर यह 35 किलोमीटर तक होती है और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एलुमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसे CL सिलिका तथा एलुमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे या सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 में दिखाया गया, देखो ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, महाद्वीप, ठीक है, महासागर में महासागरीय प्रॉपर्टी। इस प्रकार जो सामान्य स्थल भाग है उसमें तो इसको कहते हैं महाद्वीप प्रॉपर्टी और महासागरीय भाग में महासागरीय प्रॉपर्टी। महाद्वीप प्रॉपर्टी या महासागरीय प्रॉपर्टी दोनों दिखाए गए। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या होती है, क्रोड, ठीक है। ये अपने को अपने ध्यान से एक बार और पढ़ना है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। खान का मतलब होता है जहाँ से कोयला वगैरह और अपने ज़मीन से कुछ निकालते हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। 6000 किलोमीटर तक अगर आप पृथ्वी को खोदते हो तो बिल्कुल आप अंदर चले जाओगे, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट, पृथ्वी की त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितनी है, लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निपे निकिल अथवा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। यह आपको पता रखना चाहिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये आपने इंपॉर्टेंट समझ के कॉपी पे उतार लेना है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है ये। अब क्या है कि सेल एवं खनिज की क्या है, इसको सेल एवं खनिज के बारे में थोड़ा सा इसने बताया। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आगन्य इग्नीस सेल, अवसादी सेल, कायंत्रित मेटाफ्रोमिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आगन्य सेल कहते हैं, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आगन्य सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है।
जब द्रवित लवा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट शैल इन शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्रों का उपयोग होता है वह ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़कर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। शैल लुढ़कर यानी ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल महीन कणों में विभाजित हो जाते हैं तो इन्हें अवसाद कहते हैं। अवसाद का मतलब जो जैसे पानी वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि जो अपने मिट्टी आ जाती है पथरीली जो मिट्टी होती है वो अवसाद कहलाता है। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर के अनु से बनता है। इन शैलों में पौधों जानवर अन्य सूक्ष्म जीवाणु को कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय में अवसादी शैल उस ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कायंत्रित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल का ये चित्र दिखाया गया। जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं का अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म। ये आपने साथ के साथ याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर पिट्ठू चिटबिड्डी स्टापू या किट पांच पत्थर गिट्टी आदि अपने दादी दादा माता पिता आड़ पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जान अपने इधर उधर देखते हैं ना छोटे छोटे पत्थर छोटे छोटे जो कंकर मिलते हैं ये सारे अवसादी चट्टानों के उदाहरण। आओ कुछ करके अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि किन शैलों से बने हैं। दो चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। ये जो को देखो लाल किला दिखाया गया दिल्ली का ये किससे बना हुआ है? बलुआ लाल पत्थर से। और ताजमहल किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से। ठीक है, ये पत्थरों के उदाहरण हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्र तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल को दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरी सेल पर मतलब चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सेल चक्र। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी कायंत्रित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.4 में दिखाया गया है। मैग्मा मतलब ज्वालामुखी से जो निकलता है उससे कायंत्रित शैल फिर अवसादित शैल अवसाद तलछट यानी शैल बन गई यानी एक तरह से पत्थर की सिलिका बन गई और वो टूट के छोटे 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 कंकरों में छोटे छोटे पत्थरों में अवसाद के रूप में फिर आग्नेय शैल फिर मैग्मा ये मतलब प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। शैल चक्र दिखाया गया हमारी पृथ्वी के अंदर। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम। इनका उपयोग औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा एल्युमिनियम सोना यूरेनियम आदि। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं अपनी कक्षा में दिखाने के लिए एक नमूने एकत्रित किए। ठीक है, पाठ पूरा हो गया आपका। निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। पृथ्वी की तीन परतें क्या है? सेल क्या है? तीन प्रकार के सेलों के नाम लिखें। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। PDF में से सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है भैया विनोद, धन्यवाद।